नमस्कार, स्वागत है सभी का समाचार क्यारी हिंदी न्यूज़ यूट्यूब चैनल में। झज्जर जिले से बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली पुलिस के एक जवान झज्जर जिले के अहरी गांव निवासी को दिल्ली में किए गए स्वास्थ्य जांच में कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई है। बता दें कि स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गाँव में पहुंचकर कोरोना संक्रमण का फैलाव न हो इसके लिए विभागीय गतिविधियों को शुरू कर दिया है। वहीं बता दें कि झज्जर जिला से बुधवार को हरियाणा राज्य परिवहन की 15 बसें कृषि क्षेत्र से जुड़े गरीब 600 प्रवासी श्रमिकों को लेकर उत्तर प्रदेश राज्य के बुलंदशहर के लिए रवाना हो रही है। गौरतलब है कि बुलंदशहर में बागपत व मथुरा क्लस्टर के श्रमिक अपने गृह जिलों में जा रहे हैं। झज्जर से रोहतक रेलवे स्टेशन के लिए भी 130 कृषि क्षेत्र से जुड़े प्रवासी श्रमिकों को लेकर बसें रवाना हुई। रोहतक रेलवे स्टेशन से बिहार राज्य को पटना शहर के लिए ट्रेन आज जा रही है। वैश्विक महामारी के इस दौर में कोई भी व्यक्ति लॉकडाउन की स्थिति में राशन बिना न रहे, इसके लिए हरियाणा सरकार की ओर से डिस्ट्रेस राशन टोकन देते हुए जरूरतमंद लोगों को राशन की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। झज्जर जिला में अब तक 5,972 डिस्ट्रेस राशन टोकन के माध्यम से 23,888 व्यक्तियों ने निःशुल्क गेहूँ व दाल पहुँचाने के लिए कदम बढ़ाए जा रहे हैं। गौरतलब है कि कोरोना वैश्विक महामारी से उत्पन्न हुई आपात स्थिति व लॉकडाउन की वजह से गरीब व जरूरतमंद लोगों सहित प्रवासी श्रमिकों को मई व जून माह 2020 के लिए डिस्ट्रेस टोकन जारी किए जा रहे हैं। इन टोकन के माध्यम से जरूरतमंद परिवारों व व्यक्तियों को 5 किलोग्राम गेहूं प्रति व्यक्ति तथा 1 किलोग्राम दाल प्रति परिवार माह निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक कुशल पाल बुरा ने बताया कि झज्जर जिले में विभिन्न के पात्र लोगों व परिवार सहित अब तक विभागीय स्तर पर 1,15,024 डिस्ट्रेस टोकन राशन टोकन की मैपिंग की जा चुकी है और विभाग की ओर से उन्हें 5,972 डिस्ट्रेस राशन टोकन के माध्यम से 23,888 लोगों को 1,194 क्विंटल 40 किलोग्राम गेहूं तथा 59 क्विंटल 70 किलोग्राम दाल प्राप्त हुई। वैश्विक महामारी के कारण सरकार की ओर से स्वास्थ्य सुरक्षा के और दृष्टिकरण किए गए। लॉकडाउन में कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति अथवा परिवार भूखा न रहे, इसके लिए हरियाणा सरकार पूरी मददगार बन रही है। उन्होंने खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले की ओर से जारी किए गए निर्देशों की जानकारी देते हुए बताया कि ऐसे परिवार अथवा व्यक्ति जिनके गरीबी रेखा से नीचे अर्थात BPL राशन कार्ड हेतु आवेदन किया हुआ है और वह जिला स्तरीय कमेटी द्वारा वेरीफाइड किए जा चुके हैं, परंतु BPL कार्ड अभी जारी नहीं हुआ है। साथ ही मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत जिनको पूर्व में APL कार्ड जारी किए गए थे, जिला प्रशासन द्वारा गठित लोकल कमेटी द्वारा किए गए सर्वेद्वार व्यक्तियों की सूची तथा मुख्यमंत्री ट्विटर हैंडल के माध्यम से प्राप्त आवेदनों की सूची जो जिला प्रशासन से प्राप्त हुई है, उन श्रेणियों के परिवार अथवा व्यक्तियों को ही डिस्ट्रेस राशन टोकन जारी किए जाएंगे।